हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीआर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो मैंने जो कंसेप्ट आप लोगों को बताया था मिक्सचर एलिगेशन पे बेस्ड, उसी पे बेस्ड कुछ नॉमिनल से सवालों को हम लोग आज डील करने जा रहे हैं। तो हम लोग बिना देरी के सेशन को शुरू कर लेते हैं। सेशन शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वो बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है, जाके पहले उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। उसी पे आधारित मैंने पीडीएफ बनाया है, उस पीडीएफ को मैं उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें वो पीडीएफ मिल जाएगा। अब वहाँ से तुम उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और उस पीडीएफ को पहले बना लो, उसके बाद फिर इस वीडियो पे आना कि सवालों को कैसे हम लोगों को करना है और क्या क्या अप्रोचेस लगाना है। ये चीज़ देखो, एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम में मिक्सचर एलिगेशन का लेके आया हूँ, जिसमें हर चीज़ मैं तुम्हें कंसेप्ट भी बताऊँगा, तुम्हें सवाल भी कराऊँगा, तुमसे भी करवाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सिर्फ बता दूंगा और तुम्हें सिर्फ करना है, तुमसे भी मैं करवाऊँगा। तो इसके लिए पूरा प्रिपेयर रहना है और चीज़ों को बनाना है, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा वीडियो वगैरह को शेयर किया करो और चैनल को भी थोड़ा शेयर करना है, ठीक है। तो बिना देरी किए, ज़्यादा समय ना लेते हुए सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन का हम लोगों का पहला सवाल जो है, पहला सवाल देखो क्या बोल रखा है। पहला बोल रखा है थ्री वेसल्स, ठीक है, जो हम लोग के उस वीडियो में सबसे लास्ट में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, जिसकी दो टाइप्स थे हम लोगों के। थ्री वेसल इक्वल क्वांटिटीज, इक्वल मिक्सचर कंटेन इक्वल मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब तीनों में जो मिक्सचर है वो क्या है हमारा, इक्वल है। कौन सा टाइप हो गया, टाइप वन हो गया मेरा, ठीक है। हम लोग को क्या करना है इस वाले पैटर्न में कि तीन मिक्सचर दिए हुए है, हम लोग वेसल दे दिए हुए है, हम लोग ए बी एंड सी नेम कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से उनका रेशियो है 6:1, जिसकी टोटल हो जाएगी 7, 5:2, ये ऑलरेडी हम लोगों का क्या है 7, एंड 3:1 जो कि हमारा कितना है 4 है, ठीक है। अब तुम्हें क्या पता है कि ये चूंकि इक्वल है, तो इक्वल होने के लिए तुम्हें क्या करना है, इसे सबसे पहले बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए तुम इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई एंड इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब बाहर हुआ है तो अंदर भी होगा 4, 4, और यहाँ से भी 4 एंड 4, और यहाँ से 7 एंड 7, ठीक है। अब ऐड कर दो, यहाँ से 4 into 1, 4, 4 2 जाए 8, 4 12, 12 और 7, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा, और यहाँ से 6, 4 जा 24, 5, 4 जा 20, 24 और 40, 44 हो गया। 44 और 21 करोगे तो 44 और 20, 64 और 1 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यानी फाइनल रेशियो जो आ जाएगा हमारा फोर्थ मिक्सचर में वो कितना आ जाएगा, 65:19 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में एग्जिस्ट करता है, ऑप्शन नंबर डी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला देखो क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट हम लोगों का क्या बोल रहा है, देखो, वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन 25% ऑफ मिल्क, एक टाइप का लिक्विड में 25% मिल्क है, ठीक है। द अदर कंटेन्स 30% मिल्क, दूसरे टाइप में 30% मिल्क है। तो हमारा दो टाइप है यहाँ से, बेसिकली ए है और बी है, ठीक है। ए में जो है वो दे रखा है तुम्हारा 25% क्या है, मिल्क है, ठीक है। बी में जो है वो 30% तुम्हारा क्या है, मिल्क है, ठीक है। अब यहां से जब मिल्क दे दिया तो उसके बाद क्या बोल रखा है, कैन इज फिल्ड विथ 6 पार्ट ऑफ 3rd, मतलब पहले का 6 एंड 4th पार्ट ऑफ 2nd, दूसरे का 4, इस रेशियो में लिया गया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर, न्यू मिक्सचर में किस परसेंट में होगा ये बताने के लिए तुम्हें बोल रहा है, ठीक है। यहां से तुम देखोगे तो ये 3 और यहां से तुम देखोगे ये 2, 3:2 क्या चीज दे दिया, 2। हम लोग, मैंने तुम्हें बताया था इसका दो तरीके, एक तरीका मैंने बताया था, दूसरा मैं अभी बताऊंगा। एक तरीका क्या है, यहां मान लो तुम एक्स परसेंट कुछ मिल्क होगा, ठीक है। जब x परसेंट मिल्क होगा तो मैंने क्या बताया था कि 30 में x घटेगा तो दूसरा बार x में क्या घटेगा, 25 घटेगा, डेट इज 3/2 में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 30 और 2 करो, 30 into 2 करोगे तो वो तुम्हें दे देगा 60 - 2x इज इक्वल टू 3x में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3x - 75, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 5x उधर हो जाएगा और इधर जब तुम आओगे तो 60 + 75 = क्या हो जाएगा, 5x। 5 का निकालोगे तो 5 से ये कट जाएगा 12 और 15 बार में x का वैल्यू निकल के आ गया कितना, 27%, और यही तुम्हारा बोला कि मिक्सचर में जो है वो 27% है, ठीक है। जब ऐसा सिचुएशन आए, तुम्हारा इस मिडल वाला निकालना है, इस मिडल वाले को निकालने का मैं तुम्हें एक और तरीका भी मैं बताऊंगा, ठीक है। मैंने खास करके वीडियो इसलिए बनाया है कि कुछ चीज़ें ऐसी जो हैं जो सिर्फ सवाल पे ही इम्प्लीमेंट होंगी और कुछ सवालों पे इम्प्लीमेंट होगी, हर एक सवाल पे हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। है क्या यहाँ पे, जब हम लोगों का ये 3:2 में आ जाए, यहाँ से x परसेंट हमको निकालना रहे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस है हमारा 5, और उसको सबसे पहले 3 और 2 में डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
थ्री और टू में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये संजोग से थ्री और यहाँ पे टू ही देगा, तो यहाँ पे हमका हमारा ओरिजिनल वैल्यू जो होगा वो थ्री और टू ही आएगा घटने के बाद भी। अब थ्री है और 25 है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे दो है, 30 में थ्री घटा दो तो देखो तो 27 आ जाता है क्या, 25 में 2 जोड़ दो तो तुम्हारा क्या आ जाता है 27। मतलब क्या है, जो छोटा वाला है उसके सामने जो रहेगा उसको जोड़ दो, जो बड़ा वाला है उसके सामने जो रहेगा उसको घटा दो, तुम्हारा मिडिल वाला निकल जाएगा। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि हर बार इसी रेशियो में ये डिवाइड हो, इसलिए जहां पे डिवाइड होगा वहां पे हम आसानी से इस तरीके से करके निकल जाएंगे, जहां पे नहीं होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, छोड़ के बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला देखो क्या हम लोगों का, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है टू लिक्विड ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:1, ठीक है, एंड इन कंटेनर 1 और कंटेनर 2 में क्या है 1:3 में, इन व्हाट रेशियो शुड द कंटेन ऑफ दो मिक्सचर बी मिक्स सो दैट द मिक्सचर ऑब्टेन ए एंड बी आर 1:1। 1:1 कहने का मतलब क्या है कि जो दोनों में जो ए और बी हो वो क्या हो जाए, बराबर मात्रा में हो जाए। ठीक है, बराबर मात्रा में हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम ए पे चलेंगे तो ए हम लोग यहाँ से, अब तुम यहाँ से देखो ए पे जब चलोगे तो ए के लिए तुम क्या लिखोगे 5:6 लिखोगे कंटेनर 1 का, बी ए का यहाँ से ही कंटेनर ये 1 है कंटेनर ये 2 है। ठीक है, ए के लिए लिख दिया 2, बी के लिए लिख दिया, अब यहाँ 2 के लिए लिख दिया, 2 में कितना हो जाएगा तुम्हारा 1:1 कितना हो जाएगा 4, और जब मिक्स करोगे तो 1:2 में यानी 1:1 में तो 1:1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तुम चाहो तो इस चीज़ में थोड़ा सा एलसीएम का हेल्प ले सकते हो कि इसको भी 12 से गुना कर दो, इसको भी 12 से गुना कर दो, इसको भी 12 से गुना कर दो, 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, 6 से 2 बार में, 5 × 2 = 10 में 6 चला जाएगा तो इधर बचेगा 4, 4 से काट दो 3 बार में, 6 में 3 चला जाएगा इधर आ जाएगा 3, किस रेशियो में मिक्स करेगा 3:4 में मिक्स करेगा। और मैंने ये चीज़ बता रखा था वहाँ पे कि इस तरीके से हमें अगर नंबर्स पॉसिबल है जो तुम्हें दिख सके तो तुम वहाँ पे उसको कर सकते हो, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला देखो क्या हम लोगों का, नेक्स्ट हम लोग का बोल रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। एक 60 लीटर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 2:1 में। ठीक है, इन दिस रे इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2, अगर इसे 1:2 में बनाना है देन व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड, कितना वाटर ऐड करेंगे हम लोग। तो देखो इसे बनाना है ये क्या ऐड करके, वाटर ऐड करके, मिल्क तो हमारा रेशियो में इक्वली होना चाहिए, यहाँ पे मिल्क 2 है यहाँ पे मिल्क 1 है तो हम इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे 2 इधर भी गुना करेंगे 2 इधर भी गुना करेंगे, 1 था 4 हो गया, कितना तुमने जोड़ा 3 जोड़ा। अब यहाँ से तुम देखो 2, 1, 3 की वैल्यू जो है तुम्हें दे रखी है 60 लीटर और तुम्हें संजोग से 3 की ही वैल्यू निकालनी है तो 3 की वैल्यू फिर से कितनी निकल के आ जाएगी 60, मतलब तुमने डाला और कितना 60 लीटर डाला तब जाके तुम्हारा आंसर आ गया। एक तरीका हमारा ये सवाल बनाने का ये है, इसी सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरा तरीका देखो क्या है हम लोगों का, हम लोग इसको एलिगेशन से देखते हैं। जब हम लोगों को बोला सवाल में कि पहला जो है हमारा 2:1 में है तो वाटर उसमें कितना हो जाएगा 1:3 में, इसमें क्या बोला हम लोगों को सवाल में कि इसमें बोल रखा है हम लोगों को सवाल में कि कितना तुम्हें पानी मिलाना है, पानी मिलाना है किससे मिलाना है हम लोगों को, पानी शुद्ध पानी से मिलाना है कि किसी मिक्सचर से, अगर मिक्सचर से रहता तो वहां पे बोलता, लेकिन अगर जब बोले सवाल में तुमसे कि सिर्फ पानी मिलाना है तो वो अपने आप में किससे मिलाना होता है हम लोगों को, शुद्ध से मिलाना होता है। तो शुद्ध पानी अपने आप में अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1:1 होगा, और लिख देता हूं मैं 1:1 होगा, और परसेंटेज में लिखेंगे तो वो कितना होगा 100% होगा। जब मिला लिए तो मिलाने के बाद 1:2 यानी कि 2:3 हो जाना चाहिए, इसको भी तुम कर लो 3 से गुना 3 से गुना एंड 3 से गुना, यहाँ 3 3 खत्म 3 3 खत्म, 2 में 1 चला जाएगा 1 और 3 में 2 चला जाएगा 1। अब देखो यहाँ से इसका वैल्यू तुमको दिए हुआ है 60 लीटर, मतलब इस 1 को 60 लीटर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस 1 को भी कितना लीटर रिप्रेजेंट करेगा 60 लीटर रिप्रेजेंट करेगा, हो गया हमारा आंसर, एलिगेशन से भी ये सवाल बन गया। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, 4th नंबर तक हमारा हो गया, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला देखो क्या है, चलो अगला देखो क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर हैज 15% शुगर, अनदर हैज 5% शुगर,
हाउ मेनी लीटर ऑफ द सेकेंड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू 20 लीटर ऑफ द फर्स्ट टू मेक द सॉल्यूशन ऑफ सुगर, कितना 10%। हमारे पास पहले वेसल में 15% है, दूसरे में 5% सुगर है और इसको बनाना है 10%। दूसरे का हम लोग कितना क्वांटिटी लें कि पहले का हम लोग को कितना लेना है, 20% लेना है, तो पहले का हम लोगों को पहले का 20 लीटर लेना है, ठीक है। एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन जब लगाओगे तो जहां से तुम 10 में 5 घटाओगे तो 5 और 15 में 10 घटाओगे तो 5, 1:1 आ गया। यानी 1:1 आने का मतलब क्या है कि अगर ये 20 लीटर है तो ये भी कितना होगा, तुम्हारा 20 लीटर होगा, यानी कि तुम यहां से दूसरे का भी कितना लोगे, 20 लीटर लोगे। उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर होगा तुम लोगों को। अगला सवाल देखो, अगला क्या है हम लोग का, प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के केस में भी मैंने तुम्हें बताया था कि दो कंडीशन होता है, एक क्वांटिटी से रिलेटेड होता है, एक सीपी से रिलेटेड होता है। उम्मीद करते हैं कि तुमको वो सारी चीज़ें याद होगी। और मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना कि अगर तुम कभी भूलने की भी कोशिश कर रहे होगे या भूल भी रहे होगे तो मैं बोलूँ तो तुम्हारे दिमाग में जो है ना रिमाइंड होता रहे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसे रिमाइंड करने की कोशिश जरूर करना वीडियो देखते के समय, ठीक है। चलो अगला देखो क्या है। ए ट्रेडर हैज 50 kg ऑफ पल्सेस, 50 kg पल्सेस है, पार्ट ऑफ विच इज सेल्स एट 8%, पार्ट ऑफ विच जो है कुछ एक पार्ट को जो है 8% के प्रॉफिट पे बेचा गया, तो 8% का हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस में लिख दिया। फिर बोल रहा है कि बाकी बच्चे को 18% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो बाकी बच्चों को 18 पे बेच दिए, और इस तरीके से पूरे पे उसे जो हो रहा है वो 14% हो रहा है। 14% जब लगा देंगे यहाँ से एलिगेशन, 14% का भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। एलिगेशन लगा दो, 18 में 4 चला गया 4 और यहाँ हो जाएगा 6, यानी कि रेशियो आ गया 2:3। 2:3 जब 3 आ गया तो अब यहाँ से देखो, मैंने बोला था कि जब ये परसेंटेज प्रॉफिट है तो इसके रिलेशन में हमारा सीपी आता है। अब तुम देखो इसका भी सीपी जो खरीद के लेके आया होगा आर्टिकल, वो तो क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। सीपी जब इक्वल हो हमारा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे ये जो रेशियो है ये रेशियो को हम लोग वेट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि सीपी और वेट जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हम लोगों का, जिस रेट पे खरीदा गया और वहाँ पे क्या है वेट जो है, ये दोनों चीज़ें हमारी जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 2:3 में ही ना हमारा कितना बटेगा, 50 kg बटेगा। हमको किसका निकालना है, 18%, यानी 3 का वैल्यू निकालना है। 3 × 2 = 5 का मान 50 के बराबर है, 5 का मान जब 50 के बराबर है तो 1 का मान 10 के बराबर होगा, तो 3 का मान कितना के बराबर होगा, 30 kg के बराबर होगा। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए 30 kg, जो कि हमारा सिक्स नंबर सवाल का है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला देखो हम लोगों का क्या है। देखो 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में बोल रहा है हाउ मेनी केजी ऑफ सुगर कॉस्टिंग 5.75 पर केजी शुड बी मिक्स्ड विद 75 kg ऑफ चीपर सुगर, सस्ते सुगर के साथ जिसका कीमत कितना है 4.50 पर केजी, सो डैट द मिक्सचर इज वर्थ 5.50 पर केजी, ठीक है। मतलब एक महंगा वाला सुगर जो है 5.75 रुपीस पर केजी वाला, इसको 75 किलो जिसकी रेट है 4.50 रुपीस पर केजी के साथ मिलाएंगे, कितना किलो इसका लेंगे कि इसका 75 kg लेंगे, तो हम लोगों का मिक्सचर का जो रेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5 में कितना 50। जब यहाँ से हम लोगों को रेट दिए हुआ है पर किलोग्राम, तो नीचे रेशियो आएगा किस चीज़ का, क्वांटिटी का आएगा हम लोगों का। अब 4.5 में 5.5 घटा दोगे तो 1 बचेगा, 5.75 रुपया में 5.75 रुपया घटा दोगे तो क्या बचेगा, 0.25 पैसे बचेंगे। डेसिमल हटा दोगे तो इधर 125 से काट दोगे इसे, तो 4 बार में 4:1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब तुमसे पूछ क्या रखा था कि पहले वाले का, अब देखो इसी 1 का वैल्यू जो है ना दे रखा है तुम्हारा 75 kg, तो तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है, इस 4 का निकालना है। 4 का वैल्यू कैसे निकालोगे, 4 × 75 करोगे जो कि कितना हो जाएगा तुम्हारा 300 kg हो जाएगा, और यही हमारे इस सवाल का आंसर है 300 kg, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला देखो क्या। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। इन 80 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मिल्क टू दैट ऑफ वाटर इज 7:3।
इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 2:1 हाउ मेनी लीटर वाटर एडेड। अभी तुरंत हम लोगों ने ऐसा सवाल देखा था, अगर तुम्हें वो सवाल समझ में आया तो वीडियो पॉज करके एक बार फिर से दोनों तरीका को जरूर देखना करने का कि वो दोनों तरीका क्या है, ठीक है। चलो देखो क्या ऐसे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है हम लोग को सवाल में कि मिल्क और वाटर जो है 3:7 में, तो 3/10 हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, उसके बनाना है 2:1 में, तो 1/1 हम लोग क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। जब ये ऐड करेंगे तो 1/1 में ऐड होगा, यहाँ से हम लोग एलिगेशन लगा देते हैं। देखो जब घटाओगे ना तो ये घटाना तुम्हारे लिए ना बड़ा थोड़ा सा फ्रैक्शन में दिक्कत लगता है, ठीक है। तो तुम यहाँ से क्या करो, इसे 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से 10 बार में, इसे 30 का 30 ही रहने दो, इसे भी 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से 3 बार में, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 10, क्या दे देगा 1, 30 में 10 चला जाएगा, क्या दे देगा 20, यानी क्या रेशियो आ गया 20:1 आ गया, ठीक है। अब तुम यहाँ से देखो तुमसे क्या पूछ रखा है सवाल में कि ये जो क्वांटिटी थी इसकी क्वांटिटी दे रखी थी 80 लीटर, यानी 20 का वैल्यू 80 लीटर है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 4 लीटर होगा, इसी 1 का वैल्यू पूछ रखा था, 1 का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 4 लीटर निकल के आ गया, यही हम लोगों का आंसर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो, अगला क्या है हम लोगों का, पहले आर्टिकल पे कितना है हमारा 14% का प्रॉफिट है, 14 के लिए हम लोगों ने लिख दिया प्लस में 14, दूसरे आर्टिकल पे क्या है हम लोगों का 8% का लॉस है, ठीक है। और होल पे, ऑन द होल, होल पे क्या बोल रखा है हम लोगों को सवाल में, 4% का क्या है हमारा लॉस है, ठीक है। जब भी ऐसा माइनस का कंडीशन आए स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ा सा संभल के कदम को रखना, ठीक है। क्या है तुम्हारा 14 माइनस में क्या होता है, एक बार ऊपर से नीचे घटता है, 14 में क्या घटेगा, -4 घटेगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, जब ऊपर से नीचे हो गया तो हमारा क्या होगा, नीचे से ऊपर होगा, माइनस में 8 कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 8 में 4 चला जाएगा 4, और 14 में 4 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 18, यानी रेशियो कितना हो गया, 2:9 कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसी 11 यूनिट का वैल्यू हमको 44 केजी दिए हुए है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब 1 यूनिट का 4 हो गया तो हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में, 8% लॉस पे उसने कितनी बेची थी, ठीक है। तो 8% लॉस पे तुम देख लो यहाँ से, तुम्हें किसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, 9 का, 9 का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 9 4 36 केजी, और यही हमारा आंसर है इस सवाल का, 36 केजी, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला देखो क्या है हम लोगों का, अगला है हम लोगों का 10 नंबर में, इन एन एलॉय जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 1:2, एक एलॉय में जिंक और कॉपर का रेशियो कितना है, 1:2 में है, ठीक है। दूसरे एलॉय में यही सेम एलिमेंट, कौन से, जिंक और कॉपर, किस रेशियो में है, 2:3 में। इफ दिस टू एलॉयज आर मिक्स्ड, इन दोनों को मिलाया जाता है, एंड इन विच टू एलिमेंट्स, कौन से दो एलिमेंट जिंक और कॉपर जो है वो किस रेशियो में है तुम्हारे, 5:8 में है, ठीक है। बोल रहा है किस रेशियो में इसे मिलाएंगे ये बताने के लिए, तो मैंने इसके लिए क्या बताया था, किसी एक को पकड़ लो। अगर हम लोग जिंक को ही पकड़ते हैं तो जिंक हमारा है 1:3, दूसरे में जिंक है हमारा 2:5, ठीक है, तीसरे में हमारा जिंक है 5:13, ठीक है। अब यहां से क्या करो, तुम घटाना शुरू कर दो, यहां पे तुम देखो एलसीएम अगर लेके कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसमें सबसे पहले क्या हम लोग को जज करना पड़ेगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो हम या तो जज कर भी सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, तो किसी एक पाथ को फॉलो करेंगे कि हम लोग एक बार ऊपर से नीचे घटाएंगे तो दूसरी बार क्या करेंगे, नीचे से ऊपर घटाएंगे। हम लोग यहाँ से घटा लेते हैं 5:13 और उसमें घटा देते हैं 1:3, अगर निगेटिव आना होगा तो दोनों तरफ आएगा निगेटिव, दोनों तरफ निगेटिव कट ही जाना है, ठीक है। और रेशियो में नीचे से ऊपर हो गया, ऊपर से नीचे, 2:5 माइनस में 5:13, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 13 × 5 13 × 2 = 26, 5 × 5 = 25, 26 में 5 चला जाए, 25 चला जाएगा 1, रेशियो में नीचे हो जाएगा 13 × 3, 5 × 3 = 15 और 13 चला जाएगा तो हो जाएगा 2, 13 खत्म हो गया, 3:10 कितना हो गया, 10 हो गया, और यही हमारे इस सवाल का आंसर है, 3:10 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला देखो क्या है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा जैसा मैंने कर रखा है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, नहीं देखे हो कॉन्सेप्ट का वीडियो तो देख लो जाके, अभी भी बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला क्या है हम लोगों का, ए मैन मिक्सेस 5 किलोलीटर ऑफ मिल्क एट ₹600 पर किलोलीटर, ठीक है, यानी कि एक ₹600 पर किलोलीटर का 5 किलो का उसके पास दूध है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एक 6 किलोलीटर जो है ₹540 पर लीटर का है, ठीक है।
बोल रहा है हाउ मेनी किलोलीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड, कितना वाटर ऐड करा जाएगा टू मेक द एवरेज वैल्यू ऑफ मिक्सर बी 480 रुपीस पर लीटर, ठीक है 480 रुपए हमारा बन जाए। अब देखो इसमें ना बहुत सारा तरीका है बनाने का बहुत सारा तरीका क्या है। सबसे पहले देखो ये 600 रुपए वाला कितना लीटर था, 5 लीटर, ठीक है। प्लस में ये 540 वाला जो था ये कितना लीटर था हम लोगों का, ये था हम लोगों का 6 लीटर, ठीक है। और उसके बाद तुमने क्या किया, एक्स लीटर वाटर ऐड कर दिया। एक्स लीटर जब वाटर ऐड कर दिया तुमने तो एक्स लीटर तुम्हारा 0 रुपीस पे ही तुम्हारा आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा कि कुछ चार्ज वहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद जब तुम आगे बढ़ोगे तो एक्स इंटू में यहाँ पे 0 कर दो, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ो, यहाँ से जब तुम आगे बढ़ोगे तो एवरेज प्राइस तुम्हें दिया है 480 और इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 6 प्लस 5 प्लस में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को सॉल्व करने के लिए तुम यहां से क्या कर सकते हो, 10 और 10 यहां से हटा दो, ठीक है। और भी तुम काट सकते हो, तुम चाहो तो 4 से काट सकते हो, 4 से काट दोगे इसे तो 15 बार में कट जाएगा, 4 से काटोगे इसे तो 2 यहां से काट लो 27 तुम्हें दे देगा और 2 यहां से काट लो 3 तुम्हें दे देगा और 4 से इसे काटोगे तो यहां से तुम्हें 12 मिल जाएगा, ठीक है। 15 × 5 = 75, 27 × 3 = 81 और यहाँ से ऐड कर दो, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 5 × 1 = 6 और 8 × 7 = 15, 156 बराबर में 6×5 = 11, 11×12 करोगे तो 132 और 132 को इधर ले जाके क्या करो, घटा दो। 132 को जब घटाओगे तो 4×15 = 3 = 24, यानी कि 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 12x हो जाएगा। 12 से काट दोगे दो बार में, x बराबर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग इस तरीके के सवालों को हम लोग इस एक लाइन के इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं, एलिगेशन लगाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये देख लो यहाँ पे कि हमारा सबसे पहले ये है 600 रुपए वाला और ये है 540 वाला, ठीक है। पहले हम लोग दूध जो है, दोनों तरह के जो मिल्क है, उस मिल्क का हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग एवरेज प्राइस 6 और 5 में निकालेंगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इस एक्स को निकालेंगे, ये एवरेज प्राइस हो जाएगा इन दोनों तरह के मिल्क का। अब मिल्क का एवरेज प्राइस यहाँ पे एक्स मालूम हो गया, वाटर का प्राइस हम लोगों का 0 होता है और इसे बनाना कितना है हमें, 480 बनाना है, ठीक है। 480 जब बनाएंगे तो हमसे पूछा था इसी को किस रेशियो में, ये एक्स नॉन है हमारा, जब घटाएंगे तो हमारा एलिगेशन लग जाएगा। यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी उसकी वैल्यू जो होगी 11 लीटर के बराबर होगी। तो यहाँ देखो बहुत सारा तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम नॉमिनल सा एक इक्वेशन को सॉल्व करके ला सकते हो। अगर ये करने का मन है तुम ये भी कर लो, चलो इसमें भी तुम देख के करके ले सकते हो। मैंने तुम्हें इसके लिए भी एक तरीका बताया था, इसके लिए भी तुम्हें क्या बताया था, यहाँ पे तुम ध्यान रखो कि मिडिल में जब तुम्हारा एक्स निकालने का वैल्यू दे तो यहाँ से जब तुम निकालोगे तो तुम्हें मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 60 होगा जो कि 6:5 क्या हो जाएगा, 5 में। मैंने तुम्हें इसीलिए वहां पे ये बताया था कि इस तरीके को हर जगह नहीं है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं जस्ट समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, कि 60 को 6:5 में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जब डिवाइड नहीं कर सकते तो हम लोग का वही बेसिक वाला तरीका चलेगा, तो उस कंडीशन में हम लोगों का क्या होगा कि ये तरीका फेल होगा। तो ये तरीका जो है कुछ जगहों पे एप्लीकेबल है, सब जगहों पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से इस टाइप के सवालों को क्या करना है, करना है, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला देखो क्या है। नेक्स्ट है हम लोगों का 12 नंबर, देखो बड़ा ही अच्छा सवाल है 12 नंबर, क्या बोल रखा है, ए सम ऑफ 41 रुपीज वॉज डिवाइडेड अमाउंट 50 चिल्ड्रेन, ठीक है, 41 रुपए को 50 चिल्ड्रेन में बांट दिया गया। ईच बॉय गेट 90 पैसा, हर एक लड़का को जो है 90 पैसा मिला और हर एक लड़की को जो है वो 65 पैसे मिले, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, लड़का कर देते हैं और लड़की कर देते हैं, ठीक है। लड़का को अगर 90 पैसे मिला तो लड़कियों को कितना मिला, 65 पैसे मिला यहाँ, ठीक है। और हम लोग यहाँ से अब क्या करते हैं, टोटल निकाल लेते हैं कि हर एक बच्चा जो वहाँ चिल्ड्रेन को जो बटा वो कितना बट रहा है, 41 रुपये अगर पैसा में चेंज करेंगे तो 4100 और कितने बच्चों में बटा, वो 50 बच्चों में बटा, 50 से काट दोगे इसे तो 50 से ये कट जाएगा 82 बार में, ठीक है। 82 के अकॉर्डिंग यहाँ से तुम क्या कर दो, एलिगेशन लगा दो, क्योंकि 41 रुपया जो है ये क्या है, पूरे 50 बच्चों का है। अब एलिगेशन जब लगाओगे तो 90 में 82 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। 65 में जब तुम घटा दोगे तो 15 और 2 किधर हो जाएगा, 17, यानी किस रेशियो में हो गया, 17:8 में हो गया। तुमसे क्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या, लड़का कौन है, ये 17 वाला है, 17×8 तुम्हारा 25 होता है और इसी 25 का वैल्यू तुम्हें दे रखा है, कितना दे रखा है, 50 चिल्ड्रेन दे रखा है।
जब 50 चिल्ड्रन 25 के मान के बराबर हैं तो एक का मान क्या हो जाएगा, दो। 17 का मान क्या हो जाएगा, 17 दुने में 34, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है हमारी, 34 है, और यही हमारे इस सवाल का आंसर है, 34। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है हम लोगों का, चलो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में बोल रहा है 300 ग्राम ऑफ सुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर इन इट। 300 ग्राम के सुगर सॉल्यूशन में 40% क्या है हम लोगों का, सुगर है। ठीक है, जब 40% सुगर है तो इसमें बोल रहा है हाउ मच सुगर शुड बी एडेड, तो सुगर ऐड करेंगे तो वो अपने आप में कितना होगा हमारा, 100% होगा। और इस तरीके से सुगर बनाना कितना है हमें, 50% बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से क्वांटिटी का क्या करो, रेशियो निकाल लो, इधर घटाओगे तो 50, इधर घटाओगे तो 10, रेशियो क्या आ जाएगा, 5:1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5:1 जब हो गया तो 300 ग्राम बोला था, इधर का कितना बोला था, 300, तो 5 का संबंध 300 ग्राम के बराबर है, तो 1 का संबंध कितना हो जाएगा, 60 ग्राम के बराबर हो जाएगा। 1 का संबंध 60 ग्राम हो गया तो तुमसे इसी में पूछा कितना मिलाना है, 1 का मान तो हम लोग को 60 निकला हुआ है, तो 1 का मान हम लोग का क्या निकाल लेंगे, 60 मान लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट देखो हम लोग का फिर से 12 नंबर के जैसा सवाल है हम लोगों का। ठीक है, तो इसको भी तुम लोग उम्मीद है कर ही सकते हो, कि जस्ट हम लोग अभी तुरंत 12 नंबर देखे हैं, एक बार फिर से चलो देख लेते हैं वहाँ पे क्या है। 65 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, 39 रुपया को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ईच बॉय गेट 80 पैसा, हर एक बॉय को जो है वो कितना पैसा मिलता है, 80 पैसे मिलते हैं। ठीक है, एंड हर एक गर्ल को जो है वो कितना पैसा मिलता है, 30 पैसा मिलता है, और टोटल मेरे पास कितना पैसा है, 3900 बाई में कितना है, 65 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 13 से काटेंगे इससे 5 बार में, 13 से कट जाएगा 300 बार में, 5 से ये कट जाएगा 60 बार में, यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे तो 30 में 60 चला जाएगा 30, और यहाँ पे 20 किस रेशियो में आ गया, 3:2 कितना आ गया, 2 आ गया। 3:2 जब आ गया हम लोगों को, तो इसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ था, क्या निकालने बोला है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो टोटल हम लोगों के पास कितने स्टूडेंट है, 65 स्टूडेंट है, जिसको हम लोगों को 3 और 2 में बांटना है। 5 का वैल्यू 65 के बराबर, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 3 जा कितना हो जाएगा तुम्हारा, 39 हो जाएगा, 13 2 जा कितना हो जाएगा, 26, और यही हमारा आंसर है, 39 26, जो कि किस ऑप्शन में हम लोग अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। ठीक है, अगले सवाल देखो, अगला क्या है, अगला देखो क्या बोल रहा है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू अ कास्क, कितना वाटर एड करें, कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिल्क एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 3.5 लीटर। मिल्क जिसका कॉस्ट प्राइस जो है 3.5 रुपीस पर लीटर है, इसमें कितना पानी मिला है, तो पानी का कॉस्टिंग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब जीरो हो जाता है तो मिल्क का दाम जो है वो घट के कितना हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। अब यहाँ से तुम देख लो, यहाँ से 2 घटा दो और यहाँ से तुम्हारा 1.5 हो जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो इधर 20 हो जाएगा, 5 से 4, और 5 से कितना बार में, 3 बार में, 4:3 क्या हो गया, 3 हो गया। अब तुम्हें 40 लीटर मिल्क था, तो इसी 4 का मान तुम्हारा 40 है, तो गुने में क्या करके आए, 10, इसमें भी गुना 10 करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 30 लीटर निकल के आ जाएगा। यानी हम लोग कितना पानी मिलाएंगे, 30 लीटर पानी मिलाएंगे, जो कि हम लोगों का कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन में अवेलेबल है, किसी भी ऑप्शन में वहां पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलो अगला देखो हम लोग का क्या है, अगला 16 नंबर क्या बोल रखा है हम लोग को। ठीक है, 16 में बोल रखा है कि जयश्री पब्लिक परचेज्ड 150 केजी ऑफ व्हीट एट 7 रुपीज पर केजी। ठीक है, जयश्री जो है वो क्या करती है कि 150 केजी व्हीट खरीदती है 7 रुपए पर केजी पे। ठीक है, सी सोल्ड 50 केजी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, कुछ को जो है 50 केजी को 10% के प्रॉफिट में बेच देती है, रिमेनिंग 50 केजी को 50% के प्रॉफिट पे बेच देती है, तो यहाँ 10% के प्रॉफिट पे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो कि 10% के प्रॉफिट पे जो बेची वो कितना बेची, 50 केजी को बेची। एट व्हाट रेट परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग, बचे हुए को कितने परसेंट के प्रॉफिट, कितने में बेचे। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट है, एट व्हाट रेट पर केजी, यहाँ परसेंटेज नहीं है, यहाँ अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो अमाउंट जब निकालना है तो हमें क्या बोल रहा है, रिमेनिंग टू गेट 20% ऑन द टोटल डील, टोटल डील पे 20% हो। तो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि रिमेनिंग को सबसे पहले x% के प्रॉफिट पे बेचेगी,
और यहाँ से हम लोग क्वांटिटी का रेशियो लिख देते हैं 50 और यहाँ से लिख देते हैं 100 जो कि क्या है 1:2 में कितना है 2 है। अब तुम देखो 20 में 10 घटाओगे तो ये यहाँ पे 20 में 10 घटाओगे तो ये तुम्हें 10 दे देगा। ठीक है, 2 की वैल्यू जब 10 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी 5 हो जाएगी। 5 जब हो गया तो तुम्हारा देखो तुम ऐसा क्या घटाओगे यहाँ से कि ये जो तुम्हारा है घट के क्या आ जाए 5 आ जाए। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिख सकते हो तुम 25% लिख सकते हो, और नहीं तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 25 कर दो। यानी बचे हुए 100 किलो को जो है वो कितना पे बेचेगा 25% के प्रॉफिट पे बेचेगा। अब वो खरीद के लेके आया था 7 रुपये पे, जब वह इस पे 25% का प्रॉफिट लेगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद यही तुम्हें देगा 875 बाई में कितना देगा 100 देगा। और 100 हटाएंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा डेसिमल यहाँ चल जाएगा, यानी कि इतना रुपीस पर केजी जो है इस रेट पे जो है वो क्या करेगा बाकी बचे 100 किलो को वो क्या करेगा बेचेगा, तब जाके टोटल डील पे जो है वो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट में बोल रखा है हम लोगों को सवाल में द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 55 लीटर ऑफ एडल्ट्रेटेड मिल्क। ठीक है, मिल्क और वाटर का 55 लीटर एडल्ट्रेटेड मिल्क में जो है रेशियो है 7:4 में। हाउ मच वाटर एडेड, फिर से वाटर ऐड करने का कंडीशन है हम लोगों का। ठीक है, तो वाटर जब ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से अब देखो हम लोग ना थोड़ा थोड़ा करके ना चेंज करेंगे अपने तरीके को। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सवालों के अकॉर्डिंग पे उनके टेक्निक को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर इस सवाल में हम लोग एलिगेशन लगाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्यों ये भी मैं बताऊंगा। पहले देखो हम लोग को करना क्या है इस सवाल में, मिल्क और वाटर ऑलरेडी 7:4 में है, मिल्क और वाटर हम लोग का ऑलरेडी 7:6 में है। जब ये सवाल इस सीट में शुरू हुआ था, अगर तुम वीडियो शुरू से अंत तक देख रहे हो तो मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि ये जब हम लोग का आता है तो हम लोग का दो कंडीशन होता है, एक तो हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क को बैलेंस कर दें। ये सवाल इसलिए हम लोग एलिगेशन से नहीं करेंगे क्योंकि ये वहाँ जाकर कैलकुलेटिव हो जाएगा, यहाँ बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ देखो मिल्क और मिल्क जो है बराबर है, तो तुमने यहाँ पे डाला कितना वाटर 2 यूनिट डाला, अब 7:4 कितना होता है 11, इसी 11 यूनिट का वैल्यू तुम्हें देखो दे रखा है 55 लीटर दे रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 लीटर, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 लीटर हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का कि हमने कितना डाला था 10 लीटर डाला था। अगर इसको हम लोग एलिगेशन से करते तो देखो क्या होता, 4 बाई में 11 होता, इधर से 1 बाई में 1 होता और इधर से 6 बाई में 13 होता, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको साधारण सा इस भाषा में लेके आ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखो क्या है हम लोगों का। अगला में देखो क्या बोल रखा है, अगला में बोल रखा है इन वाटर रेशियो शुड वाटर बी मिक्सड, वाटर को किस रेशियो में मिलाया जाए। देखो वाटर को जब बोले ना रेशियो में मिलाने के लिए तो वाटर रेशियो समथिंग निकालना होता है, ठीक है ना, कि कुछ और निकालना होता है। ठीक है, बोल रहा है कि वाटर को किस रेशियो में मिलाया जाए सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ताकि हमें जो है कितने परसेंट का प्रॉफिट हो 25% का प्रॉफिट हो बाय सेलिंग डाइल्यूटेड मिल्क, मतलब मिक्सचर को जब हम लोग बेचेंगे कितने पे बेचेंगे 13.75 पे। तो देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ऊपर की जो 3 चीज़ें होती हैं वो क्या होनी चाहिए सेम यूनिट में होनी चाहिए, मतलब हमको क्या मालूम है यहाँ पे मिल्क का जो है कॉस्ट प्राइस मालूम है 12 रुपये पर लीटर। ठीक है, वाटर का मालूम है 0 रुपीज पर लीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो चाहिए वो मिक्सचर का सीपी चाहिए, लेकिन हमसे सवाल में क्या दिया हुआ है मिक्सचर की हम लोगों को क्या दिया हुआ है एसपी दिए हुआ है 13.75। ठीक है, और परसेंटेज प्रॉफिट दिए हुआ है 25%। तो हम लोगों को क्या करना है सीपी पे आना है, सीपी कैसे निकलेगा हम लोगों का 13.75 गुने में 100 बाई में कितना 125% ऐसे ही निकलेगा। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100 100 100 ऐसे क्या हो जाएगा हमारा खत्म हो जाएगा। 25 से डायरेक्ट काटेंगे तो 25 से ये कट जाएगा 5 बार में, हालांकि कटेगा तो 125 से भी, तुम चाहो तो एकदम डायरेक्ट देख सकते हो कि 125 से जब तुम लगाओगे तो 125 पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1375 है, यानी कि तुम्हारा बच जाएगा 7 5 12 और 12 से यहाँ 125, यानी कि 11 बार में पूरा पूरी कट गया। यानी सीपी जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया 11 निकल के आ गया, 11 जब आ गया तो 0 में 11 गया, 11 12 में गया 1, यानी 11:1 क्या हो गया 1 हो गया। अब जब 11:1 हो गया तो तुमसे यही सवाल मैं पूछ रखा था, नहीं ये नहीं पूछ रखा था, तुमसे पूछा था वाटर किस रेशियो में मिलाया जाए। ये तो तुम्हारा मिल्क और वाटर का आया ना, मिल्क एंड वाटर तुम्हारा आया 11:1। ठीक है, मैंने अभी तुमसे समझाया था कि जब जब तुमसे पूछे वाटर किस रेशियो में मिलाया जाए
तो वाटर मिलाने का मतलब क्या है कि वाटर रेशियो में क्या पूछ रखा है, मिल्क दैट इज 1:11 में कितना 11, ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला देखो क्या है हम लोगों का। अगला देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है टू वेसल ए एंड बी कंटेन स्प्रिट एंड वाटर मिक्स्ड इन द रेशियो 5:2। टू वेसल है हम लोगों का 5:2 में एंड 7:6 में है हमारा स्प्रिट एंड वाटर। फाइंड द रेशियो इन विच दिस मिक्सचर बी मिक्स्ड, किस रेशियो में मिक्स करें। अब यहां से सीधा सीधी बोल दिया किस रेशियो में मिक्स करें, नीचे फिर से स्प्रिट वाटर मिक्सचर का दिए हुए है 8:5, किसी एक को भी लेके चल दो। अगर हम लोग वाटर को ही लेके चलते हैं तो 2:7, इधर से 6:13 और इधर से 5:13 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। एलिगेशन जब लगाएंगे हम लोग यहाँ से, तो एलिगेशन लगाने के क्रम में ऊपर से जब नीचे आए तो यहाँ तो हम लोग को 1:13 दिख गया, यहाँ क्या होगा 5:13 माइनस में 2:7, 7 5 35, 13 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा 26, ठीक है। 35 में जब तुम 26 घटाओगे तो ये तुम्हें देगा 9:13 × 7 और यहाँ से तुम्हारा रेशियो है 1:13 कितना 13, 13 खत्म हो गया। 7:1 कितना हो गया हमारा 9 हो गया और यही हमारा आंसर है, 7:1 कितना है 9 है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगला देखो अगला क्या है हम लोगों का। देखो क्या बोल रहा है, टू वेसल ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर मिक्स्ड इन द रेशियो 8:5 एंड 5:2, ठीक है। दो वेसल है ए और बी जिसमें मिल्क और वाटर का कुछ रेस्पेक्टिव रेशियो दिया हुआ है। द रेशियो इन विच दिस टू मिक्सचर बी मिक्स्ड, इसी को किस रेशियो में मिक्स करें कि हमारा कंटेनिंग मिल्क इन द परसेंटेज 69:13। सबसे पहले ये जानो कि जो 69:13% है इसकी परसेंटेज वैल्यू जो आएगी वो आएगी 900/13% और फ्रैक्शनल वैल्यू जो हो जाएगी 9/13। मतलब ये मिल्क को इंडिकेट कर रहा है, मिल्क का पार्ट कितना निकल के आ गया 9/13, ठीक है। अब स्टार्टिंग में देखो तुम्हारा मिल्क जो है वो कितना है 8/8, 5 कितना है 13 है, ठीक है। एलिगेशन लगेगा और इसका एलिगेशन किसके साथ लगेगा, मिल्क के साथ, जो कि 5/ कितना है 7। घटा दो 8 और 9 में, यहाँ घटाओगे तो 1/13 और इधर 9/13 को जब घटाओगे 5/7 से तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा नीचे में 13 × 7 9 7 = 63 एंड यहाँ से 65, ठीक है। तो यहाँ से तुम 65, ये निगेटिव में होता नहीं है लिटरली, नीचे से जब ऊपर तुम घटाए तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है ऊपर से नीचे, यही यहाँ मैंने उल्टा कर रखा है, ठीक है। तो निगेटिव एक्चुअली कोई वैल्यू होता नहीं है, इसको सुधार लो ज़्यादा है तो 5/7 हो जाता है और यहाँ से क्या हो जाएगा 9/13 हो जाएगा। तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा 65 - 63, डेट इज नन अदर देन 2 3 3 13 13 कट गया, 2:7 क्या हो गया 7 हो गया और यही हमारे इस सवाल का आंसर है 2:7, ऑप्शन नंबर क्या ए। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना, अभी आगे का सेशन बचा हुआ है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है ब्रेक लेके थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर देना है जहाँ तक हो सके तुम लोगों का, जितने भी तुम्हारे ग्रुप्स वगैरह हैं उन हर एक जगहों पर तुम्हें क्या करना है उसे शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलो बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो हम लोग का क्या है। अगला नेक्स्ट हम लोग को बोल रखा है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 30 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंसंट्रेटेड, 30 लीटर के सॉल्यूशन में जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर दिए हुए है 3:7 तो फ्रैक्शन अगर देखें तो 3:3 कितना हो जाएगा 10 वाटर का। बोल रहा है सच दैट रिजल्टेंट मिक्सर हैज 40% वाटर, 40% है तो 40:100 क्या हो जाएगा 100 और यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब देखो हमें जब वाटर ऐड करना है तो वाटर के लिए मैंने क्या बताया था 1:1, अगर इसे हम ऐसे लिख दें 10:10 तो क्या ही फर्क पड़ेगा हमारा, 10 10 एंड 10 खत्म हो गया हमारा। अब यहाँ से आ जाओ 10 में 4 चला जाएगा 6, 4 में 3 चला जाएगा 1, किस रेशियो में हो गया 6:1 में। अब यहाँ से तुम्हें दिया हुआ है कि ये ओरिजिनली में तुम्हारे पास 30 लीटर था, यानी 6 की वैल्यू जो है वो 30 लीटर है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5 लीटर हो गई और यही तुम्हारा आंसर है 1 की वैल्यू कितनी 5 लीटर, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला देखो क्या है हम लोगों का। देखो क्या है हम लोगों का सवाल में क्या बोल रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन 30% ऑफ सॉल्ट बाई वेट, एक सॉल्यूशन में जो है सॉल्ट 30% है इफ इट्स 40 kg वाटर इवापोरेट्स, 40 kg वाटर जो है इवापोरेट हो जाता है द सॉल्यूशन कंटेन 45% ऑफ सॉल्ट,
45% इसमें क्या जाता है, सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था ये बताना है तुम्हें। अब तुम यहां से देखो, यहां पे तुम्हारा क्या हो रहा है, अभी तक में हम लोगों ने क्या देख रखा था, डालने का कंडीशन देख रखा था, अब यहां से क्या हो रहा है, उड़ जा रहा है, ठीक है। इस सवाल को भी हम लोग एलिगेशन लगा के बना सकते हैं, लेकिन अगर तुम भाषा को बदलने में एक्सपर्ट हो तो। भाषा कैसे बदलते हैं कि हमारा जो था ये 45% वाला जो इवापोरेट होने के बाद आया सॉल्ट, और जब वाटर इवापोरेट हुआ तो ये 0% वहां से इवापोरेट हुआ, ठीक है। और यही दोनों इवापोरेट और बचा हुआ मिलके ही ना हमारा सॉल्ट 30% था। भाषा को मैंने क्या किया, उलट दिया, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें क्या बोला था कि 30% था, कुछ वाष्पीकृत हो गया, 45 बन गया। हमने क्या किया कि इन, हम लोग क्या जानते हैं, मिला के बीच में आता है, ये वाष्पीकृत होने के बाद और ये वाष्पीकृत हुआ हुआ, सो हम लोग क्या ले रहे हैं, सॉल्ट ले रहे हैं। तो सॉल्ट तो वाष्पीकृत नहीं हुआ था, सॉल्ट तो हम लोग का जो था वही था हम लोगों का, तो ये 0% हो गया हम लोगों का। यहाँ से ये 45 था, ये दोनों मिलके कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है। अब यहाँ से तुम देख लो, यहाँ से मिला दो इसको, यहाँ से जब मिलाओगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा तुम्हारा 15, जो कि क्या दे देगा तुम्हें, 2:1 दे देगा। जब तुम्हारा कुछ भी यहाँ सॉल्ट वाष्पीकृत नहीं हो रहा है, तो यही ना यहाँ पे तुम्हारा वाटर सिर्फ वाष्पीकृत हो रहा है, यही एक का मान तुम्हें दिए हुआ है, कितना दिए हुआ है, एक का मान 40 kg दिए हुआ है। एक का मान जब 40 है तो इनिशियल पूछ रखा है, दो था अब बाद में एक था पहले, मतलब एक उड़ गया तो दो और एक कितना था पहले, तीन था हमारा, तो तीन का मान कितना हो जाएगा हमारा, 120 kg हो जाएगा। और ये लो हमारा आंसर आ गया एकदम चुटकियों में। एल्स इसे बहुत लोगों ने क्या करते हैं, फ्रैक्शंस को पहले बैलेंस करते हैं, पहले फ्रैक्शंस निकालेंगे फिर बैलेंस करेंगे, उसके बाद बहुत सारा काम करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। कुछ इस तरीके से होगा, पहला जो कंडीशन था तुम्हारा, उसमें तुम्हारा सॉल्ट एंड वाटर का जो रेशियो होगा, सॉल्ट और वाटर का कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3:7, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में सॉल्ट और वाटर का जो रेशियो हो जाजाएगा, 45% सॉल्ट है तो 9:11, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट को इक्वल करने के लिए इसको 3 से गुना, इसको 3 से गुना, 3 3 9 7 3 21, 30 का मान फिर हम लोग करेंगे। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी दिए हुए, अब यहाँ से तुम देखो 7 3 21 था, 11 हो जा रहा है, यानी कि क्या हो जा रहा है तुम्हारा यहाँ पे 10 का कमी हो रहा है, और इसी 10 का मान तुम्हें दिए हुए है 40, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 4। तुमसे पूछा था ओरिजिनल कितना है, तो ओरिजिनल तुम्हारा 30 था, 21 यहाँ से, 9 यहाँ से, तो 3 कर दोगे, तो 3 से यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, 30 का मान निकालोगे, तो 30 × 4 करोगे तो ये हो जाएगा 120 kg, तो यहाँ से भी निकल जाएगा। लेकिन तुम्हारा जो है, अगर वैल्यूज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जैसे 36% वगैरह दे देता है, तो उस केस में तुम्हें बैलेंस करने में थोड़ी तकलीफ होगी। यहाँ पे 9 है, चीज़ों को भाषा को बदलो और यहाँ से तुम डायरेक्ट कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला देखो क्या है मौका। नेक्स्ट देखो क्या बोल रखा है, नेक्स्ट में बोल रखा है हम लोग को सवाल में कि इन अ कंटेनर मिल्क एंड वाटर प्रेजेंट 7:4, मिल्क एंड वाटर जो है 7:4 में है, 32 liter वाटर जब ऐड करते हैं तो 7:8 में हो जाता है। हम बोले थे कि मिल्क और मिल्क में जब इक्वल क्वांटिटी में रहे तो हम लोग इसको रेशियो के अकॉर्डिंग ही कर लेंगे, और इसी 4 का मान हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 32, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8। 7:4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 का मान कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और यही हमारे इस सवाल का, सॉरी ये हम लोगों ने पूछा, हमसे पूछा नए मिश्रण में पानी का, मतलब व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो न्यू में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग 11 नहीं निकालेंगे, हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, 15 जब निकालेंगे तो हम लोग का क्या वैल्यू हो जाएगा, 15 × 8, ये हो गया हम लोग का टोटल क्वांटिटी। अब इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, वाटर निकालना है, तो तुम यहाँ से या तो 15 निकालो या फिर तुम डायरेक्ट 8 का यूनिट ही निकाल दो, तो 8 का यूनिट कितना हो जाएगा, 8 × 8, जो कि क्या हो जाएगा तुम्हारा, 64 liter हो जाएगा। और यही हमारे इस सवाल का क्या है, आंसर है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला देखो क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट में देखो क्या है, देर आर टू कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी, दो कंटेनर है इक्वल कैपेसिटी का, ठीक है, मतलब दोनों की जो कैपेसिटी है वो क्या है, इक्वल। पहले यहाँ से कैपेसिटी निकाल लेते हैं, 5 × 3 = 8 है, दूसरे में जो है मिल्क और वाटर है 4 × 3 = 7 में, ये 8 और 7 में, ये तो क्वांटिटी हम लोग का इक्वल हुआ नहीं, तो क्वांटिटी इक्वल करने के लिए क्या है, इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से, इसको 8 से मल्टी, इक्वल हो गया। अब इसको क्या करना है, 7 इसको भी 7, इसको भी 8 इसको भी 8, ठीक है। यहाँ पे 35 और प्लस में 32 रेशियो में, 21:8 = 24, अब यहां से ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 67 रेशियो में तुम्हारा कितना हो जाएगा, 45, ठीक है।
यही हमारा रेशियो है, 67 रेशियो में कितना है 45, और यही हमारे सवाल का आंसर है, जो कि हम लोगों ने तीन मिश्रण के केस में देखा था कि जब क्वांटिटीज को इक्वल करना रहता है, कंसेप्ट भी हम लोगों ने बेसिक में देखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या है हम लोगों का। अगला बोल रखा है हम लोग को सवाल में, 400 ग्राम स्पिरिट सॉल्यूशन है 30% स्पिरिट इन इट, 400 ग्राम के सॉल्यूशन में 30% क्या है तुम्हारा स्पिरिट है। ठीक है, 30% जब स्पिरिट है तो बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पिरिट शुड बी एडेड, कितना स्पिरिट उसमें मिलाया जाए टू मेक इट 80% इन द सॉल्यूशन, उसे कितना बन जाए 80%। देखो तुम्हें स्पिरिट का रेशियो बोला है, मतलब स्पिरिट का तुम्हें निकालना है किसी के साथ। ठीक है, तो यहाँ से तुम देखो स्पिरिट का तुम रेशियो कैसे निकालोगे, यहाँ से तुम्हारा जो रेशियो दे रखा है, तुमने स्पिरिट मिलाया, वो मिलाया 100%, किसके साथ मिलाया 30% वाले के साथ, और ये हो कितना गया 80% हो गया। डायरेक्ट एलिगेशन यहाँ से लगा दो, जब एलिगेशन लगाओगे तो 80 में 30 चला जाएगा, कितना बचेगा तुम्हारा 50 बचेगा, और 100 में 80 चला जाएगा तो तुम्हारा कितना बचेगा यहाँ पे 20 बचेगा। ठीक है, अब तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पिरिट टू बी एडेड टू मेक इट, स्पिरिट कितना ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जितना है उससे हमको निकालना है यहाँ पे, तो यानी कि रेशियो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2:5 आ जाएगा, इस क्वांटिटी से जितना ऐड किया उसका रेशियो निकालना है, यानी कि 2:5 में कितना हो गया हम लोगों का 5 हो गया। ठीक है, चलो अगले सवाल में चलते हैं, अगला सवाल देखो क्या हम लोगों का। वन एलॉय कंटेन्स सिल्वर एंड कॉपर इन द रेशियो ऑफ 5:1। ठीक है, एक एलॉय जो है जिसमें सिल्वर कॉपर 5:1 में है, दूसरा में जो है वो 7:2 में है। ठीक है, बोल रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ द टू मस्ट बी मेल्टेड टुगेदर, इन दोनों का कितना वेट मेल्ट करेंगे हम लोग, किस रेशियो में मेल्ट करेंगे, सो एज टू मेक 5 lb मास, 5 lb मास का जो बन जाए जिसमें 80% क्या हो जाए हमारा सिल्वर हो जाए। ठीक है, तो सिल्वर का हम लोग को परसेंटेज दिया हुआ है जिसका हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल सकते हैं, हर जगह से हम लोग सिल्वर पे ही आ जाते हैं। सिल्वर पे आएंगे तो पहले में था 5/6, दूसरे में है 7/9, और सिल्वर इधर से देखेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब इसी को हम लोग को क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, जब घटाने के लिए निकलेंगे तो हम लोग इसको बहुत तरीके से घटा सकते हैं, अगर हम लोग इसको इक्वल करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 3×5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 18×5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18×5 से करोगे तो 6×3 = 18 हो जाएगा, 5×5 = 25, 3 यहाँ सब्स्टिट्यूट वैल्यू क्या निकल गया 75, यहाँ पे भी तुम 90 से गुना 18×5 = 90 होता है, 9 से कर दोगे 10 वाल में, सब्स्टिट्यूट वैल्यू कितना हो गया 70 हो गया, यहाँ भी जब 90 करोगे तो 5 से कट जाएगा तुम्हारा 18 बार में, 18×4 = कितना हो गया तुम्हारा 72, 70 में 72 चला जाएगा तो कितना बचेगा तुम्हारा 2, और यहाँ बच जाएगा तुम्हारा 3, यानी कि रेशियो क्या निकल के आ गया 2:3 आ गया, और यही हमारा इस सवाल का आंसर है 2:3। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला देखो क्या हम लोगों का। नेक्स्ट हम लोग का बोल रखा है बॉक्स ए कंटेन व्हीट वर्थ ₹30/kg, बॉक्स ए में जो है ₹30/kg का है और बॉक्स बी में जो है ₹40/kg का है, हमको क्या बोला है, इन दोनों को जो मिक्स किए वो मिक्स किए 4:7 मिक्स किए, और इसी के साथ बोला मिक्सचर का प्राइस बताने के लिए, तो यही मिक्सचर है हम लोगों का। इस केस में मैंने फिर से तुम्हें मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इनका डिफरेंस इसी रेशियो में बट रहा है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में कट जा रहा है इजिली, तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे, फिर सीधा सीधी जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग यहाँ से सॉल्व करने के लिए, 40 - x कर देते हैं एंड देन x - 30 करते हैं, तो 40 - x के सामने 4 मिला और यहाँ से 7 मिला, 7×4 = 28, 280 - 7x = 4x - 120, 120 जब इधर ऐड करेंगे हम लोग तो ये हम लोग को दे देगा 400, और 7×4 कितना हो जाएगा 11, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 11 निकल के आ गई। अब इसी को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो 4/11×100, जिसकी वैल्यू होती है तुम्हारी 36.36, क्योंकि 1/11 होता है 9.09। ठीक है, तो 4/11 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4/11 हो जाएगा तुम्हारा 36.36%। ठीक है, तो इसी के साथ तुम्हारा जो रेट निकल के आया वो कितना रेट निकल के आया, 36.6636% निकल के आ गया, और यही तुम्हारे इस सवाल का क्या है आंसर है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला देखो क्या है हम लोगों का। मैंने जो सीट अपलोड कर रखी है उस सीट का जो 28 नंबर सवाल है वो सवाल गलत है हम लोगों का। ठीक है, वो गलती से चला गया है, उस सवाल को कृपया काट देंगे। ठीक है, उस सवाल को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वो सवाल गलत है। ठीक है, चलो आगे देखो हम लोगों का क्या बोल रहा है। ए मैन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 5 आवर पार्शियली बाई बस एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड पार्शियली बाई फुट एट 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो बोल रखा है हमारा कि कुछ दूरी जो है बस से वो 12 के स्पीड से और यहाँ 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करता है, ठीक है। पूरा दूरी जो है वो दिए हुआ है 50 किलोमीटर का, वो 5 घंटे में ट्रैवल करता है, यानी कि उसका एवरेज स्पीड 10 हो जाएगा। एलिगेशन जब लगाएंगे तो यहाँ से 12 में 10 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2, 10 में 7 चला जाएगा 3, यानी कि ये 3:2 क्या आ गया, टाइम का आ गया। संयोग से टाइम जो हमारा टोटल है वो 5 घंटे, ये तभी पॉसिबल है जब ये 3 घंटे होगा और ये 2 घंटे होगा तब, ठीक है। हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाई बस, बस से कितना डिस्टेंस कवर किया, बस से वो जो कवर कर रहा है वो कितना, किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 12 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। जब 12 की स्पीड से वो बस से ट्रैवल कर रहा है हमारा, तो और कितने देर तक ट्रैवल कर रहा है, 3 घंटे तक, यानी 12 × 3 वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 36 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। और यही हमारे इस सवाल का आंसर है, 36 किलोमीटर, एंड योर आंसर इज नन ऑफ दिस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखो, अगला क्या है हम लोगों का। अब आगे देखो आगे क्या है, इन व्हाट रेशियो वाटर शुड बी मिक्स्ड, वाटर को किस रेशियो में मिलाया जाए विथ जूस, रुपये जूस कॉस्टिंग 16 रुपीज। देखो वाटर को मिलाने के लिए बोला है, वाटर को मिलाने का कंडीशन मैंने क्या बताया था कि वाटर के साथ जूस का रेशियो निकालना, ठीक है। जूस की वैल्यू 16 है, वाटर की वैल्यू कितनी है, 0, और कॉस्टिंग जो हो जाना चाहिए मिक्सचर का वो 6 हो जाना चाहिए। एलिगेशन लगा दो, यहाँ से आ जाएगा 10 और यहाँ से आ जाएगा 6, रेशियो कर दोगे 5:3 कितना हो जाएगा, 3, और यही हमारे इस सवाल का आंसर है, 5:3। बड़ा ही आसान सा सवाल था, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो हम लोग का क्या है। अगला बोल रहा है, 2 alloys कॉपर एंड जिंक आर इन द रेशियो 1:3 and 4:1। 2 alloy में कॉपर और जिंक का जो रेशियो है 1:3 और 4:1 में, ठीक है। पहला का जो है वो 20 kg alloy है, दूसरा का 35 kg alloy है, ठीक है। और कुछ प्योर जिंक जो है मेल्ट किया साथ में, और मेल्ट करने के बाद जो रेशियो आ गया वो आया 5:4 में, ठीक है। देखो इसमें अगर तुम डबल एलिगेशन वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा लगाते हो तो वहाँ पे तुम्हारा जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम क्या बताए थे तुमको कि सवालों के अकॉर्डिंग हम लोग उसके स्टेप्स को निर्धारित करते हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक टाइप का सवाल आ रहा है तो उसमें हम लोग वही पैटर्न को फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, 1:3 में जो है ये कितने पे है, 20 kg पे है। अगर देखोगे तो 4 का मान 20 के बराबर, तो 1 का मान यहाँ पे 5 kg हो जाएगा और ये यहाँ पे 15 kg हो जाएगा, ठीक है। सेम एज 4:1 में जो है ये 35 kg पे है। यहाँ से देखोगे तो 5 का मान 35 के बराबर, तो 1 का मान 7, तो 4 का मान 28 हो जाएगा और 1 का मान तो 7 था ही। अब यहाँ से देखो, पहला कॉपर है तो कॉपर और कॉपर यहाँ पे मिक्स कर दिए, जिंक यहाँ पे आते हैं, 15 है, 1 है, और कुछ प्योर जिंक जो है हम लोगों को क्या बोला है, मेल्ट किया, ठीक है। कुछ प्योर जिंक जब हम लोग मेल्ट करेंगे तो मेल्ट करने के बाद जो कॉपर का और इसके साथ रेशियो है वो है 5:4। कितना ही सिंपल ही अब यहाँ सॉल्व हो जाएगा, 28 कितना है, 33 × 4, ये 5 को नीचे ले आओ और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 22 प्लस में एक्स हो जाएगा। अगर इस 22 को उठा के हम लोग इधर माइनस में कर देंगे तो बराबर ये, अभी भी अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नंबर है तो 11 कॉमन ले लो, यहाँ 3 × 4 क्या हो जाएगा, 12, माइनस में यहाँ से 2 और नीचे में क्या हो जाएगा, 5, 5 × 10 में 12 चला जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारा, 2 बचेगा, यानी कि फाइनली तुम्हारे पास बचा 11 × 2/5, जो कि x देगा हमारा, और x यहाँ से निकल के आ जाएगा 4.4 kg, यानी कि प्योर जिंक जो हम लोगों ने ऐड किया था वो 4.4 kg ऐड किया था। कभी डबल एलिगेशन वगैरह लगा के देख लेना, बहुत ही ज़्यादा तुम्हें कॉम्प्लिकेशन होने वाला है इस टाइप के सवाल में, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला देखो क्या है, ठीक है। चलो अगला देखो क्या है हम लोगों का, अगला बोल रखा है हम लोगों का सवाल में, ए मिल्कमैन बाइज एट द रेट ऑफ 5 rupees per liter एंड मिक्सेस इट विथ वाटर, वाटर के साथ मिक्स कर देता है, बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 4 a liter ही गेन्स 25%, 25% वो क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि खरीदा 5 रुपये में, पानी मिलाया 0 रुपये का, मिक्सचर को जो बेचा वो 4 रुपये पे बेचा और 25% का प्रॉफिट हो गया, यानी सीपी क्या हो जाएगा, 125/100, 25 × 4 सीपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100/125, ठीक है, 25 × 4 में, 25 × 5 में। अब एलिगेशन लगा दो यहाँ से, एलिगेशन जब यहाँ से लगाओगे तो इधर तो डायरेक्ट 16/5 आ जाएगा, 25 में 16 चला जाएगा, तो इधर से क्या आ जाएगा, 9/5, रेशियो निकल के आ गया, 16:1 में कितना निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया। ये हमसे क्या पूछ रहा था, प्रत्येक लीटर मिश्रण में पानी ज्ञात कीजिए,
तो पानी जो है वो हमारा 9 है, और प्रत्येक टोटल कितना है हमारा 16, 9 कितना 25, यानी कि 9 बाई में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यही हमारे सवाल का आंसर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से जब तुम्हारा इस टाइप का सवाल दे कि एसपी दिए हुए, परसेंटेज प्रॉफिट दिए हुए, तो ज़्यादा समय नहीं लेना है हम लोगों को उतना सारा डेटा लिखने में, कि हम लोग उतना सारा लिखेंगे कि वो एसपी है मिक्सचर का है, वो परसेंटेज प्रॉफिट है मिक्सचर का, इतना सारा नहीं लिखना है। समझ में आ गया, एक लाइन में करके निकल जाना है। ठीक है, वहाँ पे वो थ्योरेटिकल तुम्हें नहीं मालूम है, वहाँ पे वो तुम्हें लिख के नहीं बोला, वहाँ चेक करेगा वो तुम्हें कितना तेजी में तुम बना रहे हो। ठीक है, तो इन सब की पॉइंट्स का ही तुम्हें कैलकुलेशन के क्रम में ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखो क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट देखो क्या बोल रखा है, नेक्स्ट हम लोग का बोल रखा है ए मिक्सर कंटेनिंग प्योर मिक्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2, अनदर मिक्सर कंटेनिंग देम इन 4:5। ठीक है, हाउ मेनी लीटर ऑफ द लेटर बाद वाले का कितना मिक्स किया जाए किसके साथ 3 लीटर ऑफ द फॉर्मर 3 लीटर फॉर्मर के साथ, सो डैट द रिजल्टिंग मिक्सर हैज मे कंटेन इक्वल क्वान्टिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। मतलब मिक्सर में जो मिल्क और वाटर होगा वो 1:1 में होगा हमारा, किसी एक को हम लोग उठा लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ से मिल्क को ही उठाना शुरू करते हैं तो मिल्क क्या हो जाएगा हमारा 3 बाई में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, 3 बाई में 5 हो जाएगा, इधर से मिल्क हमारा कितना हो जाएगा 4 बाई में 9 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग का मिक्सचर में आएंगे तो मिक्सचर क्या हो जाएगा हमारा 1:2 में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, जब मिक्स करते हैं हम लोग को क्या मालूम है, फॉर्मर जो है वो 3 लीटर है, लैटर का कितना लेना है ये हम लोगों को निकालना है। पहले यहाँ से घटा लो, ठीक है, 4:9 माइनस में 1:2 जब करोगे तो 4 × 2 = 8, यानी कि 1:2 में जब तुम 4:9 घटाओगे तो नीचे में तुम्हारा 18, और इधर जब करोगे तो 9 और इधर 4 × 2 = 8, 1:18 यहाँ से आ जाओ। एक बार तुमने क्या किया, नीचे से ऊपर घटाया, तो अगर ऊपर से नीचे 3:5 माइनस में 1:2, नीचे में क्या ले लोगे तुम 5 × 2 = 10 ले लोगे, 3 × 2 = 6 माइनस 5 डैट इज नन अदर देन 1। अब यहाँ से तुम देखो ये जो रेशियो आया वो 10:18 आया, जो कि 5:9 क्या देगा तुम्हारा 9 देगा। यही हमसे पूछ रखा था कि हमसे क्या पूछ रखा है सवाल में, 5:9 जब दे दिया हमसे पूछ रहा है बाद वाले का कितना लीटर। अब देखो इसी 5 यूनिट का जो वैल्यू है यही तुम्हें दे रखा है कितना 3 लीटर दे रखा है। ठीक है, हमसे बाद वाले का पूछ रखा है यानी 9 का मान निकालना है, 9 का मान क्या हो जाएगा 3 बाई में 5 गुने में कितना 9 हो जाएगा हम लोगों का, यानी 27 बाई में कितना हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा, और यही हमारे इस सवाल का आंसर है 27 बाई में कितना 5। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखो क्या है, ये ऑप्शन कुछ बदल के दे रखा है, 5.2 बाई में 5 दे रखा है। ठीक है, यानी 52 बाई में 50। ठीक है, वो एरर है वहाँ पे, थोड़ा सा आंसर जो है वहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, आंसर यही होगा हमारा 27 बाई में 5। एक्चुअली वो आंसर जो है ना वो इस तरीके से 5 होल 2 बाई में 5 है। ठीक है, वो ऐसे 5 होल 2 बाई में 5 लीटर है, तो वो ऑप्शन को थोड़ा सा देख लेना, वहाँ पे थोड़ा सा वो जो है गड़बड़ है, 4 पॉइंट में नहीं है वो। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला क्या है हम लोगों का, बोल रखा है 2 वेसल में मिल्क और वाटर जो है वो 7:3 में है, फाइंड द रेशियो इन विच बोथ कंटेंट ऑफ द वेसल मिक्सड सो दैट मिक्सर कंटेंट्स 3:2। तो 7 बाई में 10 यहाँ से ले लेंगे, बहुत सारा सवाल हम लोगों ने इस टाइप का देख लिया, 2 बाई में 5 ले लेंगे, और यहाँ से क्या ले लेंगे 3 बाई में 5, हम लोग इस सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से 2 बार में 2 × 2 = 4, 5 से 2 बार में 3 × 2 = 6, 7 और यहाँ से 10 खत्म, 7 में 6 चला जाएगा तो हम लोगों का कितना बचेगा 1, 2 × 2 = 4 में 6 चला जाएगा क्या बचेगा 2, यानी हमारा जो रेशियो आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 2:1 में आ जाएगा, और यही हमारे सवाल का क्या है आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल हम लोगों का क्या है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रखा है, बहुत ही अच्छा सवाल, 2 cans of 60 and 80 liter आर फिल्ड विथ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। 2 can है जिसमें 60 और 80 liter है, जिसमें मिल्क और वाटर है। ठीक है, द पोर्सन ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:7 and 9:7। ठीक है, 60 liter वाला जो है वो है 5:7 में, 80 liter वाला जो है वो है 9:7 में। अब तुम देखो साफ साफ तुम्हें दिख रहा होगा 7, 5, 12, 12 की वैल्यू 60 से निकल जाएगी, 9, 7, 16, 16 की वैल्यू 80 से निकल जाएगी, मतलब सब जो है वो तुम्हारा क्या देगा 5 के मल्टीपल में ही देगा। ठीक है, जरूरत पड़े तो करेंगे हम लोग भी। If the two contents of two can are mixed and 30 liter water is added, ठीक है 30 liter water भी तो हमको जरूरत पड़ेगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको भी 5 से गुना, इसको भी 5 से गुना, इसको भी 5 से गुना, और इसको भी क्या कर देंगे 5 से गुना। ये मिल्क है तो 5 5 = 25, ये भी मिल्क है 9 5 = 45। ठीक है,
इसको हम लोग मिक्स करेंगे किसके साथ, 7535 लीटर ऑफ वाटर एंड 7535 लीटर ऑफ वाटर अलॉन्ग विथ 30 लीटर ऑफ वॉट हम लोग मिक्स करेंगे वाटर, ठीक है। नया रेशियो पूछ रखा है मिल्क एंड वाटर का, 40 20 60 और 10 कितना 70, बाई में क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, जीरो कट जाएगा, यानी कि 7:10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यही हमारे इस सवाल का आंसर है 7:10 एंड ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने 35 सवाल को कंप्लीट कर लिया, 3 सवाल और बचे हैं बेहतरीन सवाल, तो 3 सवाल को देखे बिना नहीं जाना है, और सारा अच्छा सवाल जो है ये लास्ट में ही हम लोगों का है, ठीक है। लास्ट में देखो क्या दे रखा है हम लोगों का, बोल रखा है देर आर 3 वेसल ईच ऑफ 20 लीटर कैपेसिटी, ठीक है। 3 वेसल है, हर एक का कैपेसिटी जो है वो कितना है हमारा 20 लीटर है, ठीक है। हर एक का कैपेसिटी तुमसे दे दिया 20 लीटर, मतलब इसका सिंपली यही है कि उसमें वो तुमको ये बताना चाह रहा है तीनों की कैपेसिटी क्या है, इक्वल है। अब तुमसे क्या बोला है, पहला में जो है वो 2:3 में है, दूसरा में जो है वो 3:4 में है, फिर जो है 4:5 में है, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 3:2 कितना हो गया 5 हो गया। अब यहां से तुम देखो, यहां पे तुम्हारे पास बैलेंस करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, यहां पे तुम क्या करोगे 7:9 से करोगे, यहां पे 5:9 से करोगे, और यहां पे तुम 5:7 से करोगे, ठीक है। जब तुमने ये सारा कार्यक्रम कर लिया तो 9:7 = 63 तुम यहां पे मल्टीप्लाई करोगे, यहां भी 63 मल्टीप्लाई करोगे, 9:5 = 45 यहां भी मल्टीप्लाई करोगे, यहां भी मल्टीप्लाई करोगे, 7:5 = 35 यहां भी मल्टीप्लाई करोगे, यहां भी मल्टीप्लाई करोगे, और उसी तरीके से सबको क्या करोगे ऐड कर दोगे, ठीक है। चलो ऐड करते हैं हम लोग, 63 × 2 जब करेंगे तो 63 × 2 हम लोगों का होगा 100 में 26, ठीक है। फिर यहां से देख लो 45 × 3 करेंगे तो ये 120 और 15 135, ठीक है, और 35 × 4 करेंगे तो 70 × 140, ठीक है। ऐड कर दो, 1, 3, 2, 5, 4, 9 और 1, 10 और 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4 नीचे इधर आ गया 401 हमारा, इधर आ जाते हैं हम लोग वापस, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, 63 × 3 करोगे तो 3 × 3 = 9, 6 × 3 = 18, 45 = 90 और यहाँ कर दो 180, ठीक है। 35 × 5 जब करोगे तुम यहाँ से तो 150 और 25 कितना हो जाएगा तुम्हारा 175, ऐड कर दो, 4 हो गया तुम्हारा, 8 × 7 = 15, 15 और 8 कितना हो गया तुम्हारा 23 और 1 = 24 का 4, दो हाथ में, 3 × 2 कितना हो गया 5 हो गया। अब यही हमारा रेशियो निकल के आ गया 544, ठीक है। अब यही हमसे पूछ रखा था, तो फाइनली में हमारा कितना रेशियो आएगा, यही हमारा रेशियो 401 एंड 544, ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी बेसिस पे हम लोगों ने तीन मिक्सचर के बेसिस पे ये लास्ट के 3 सवाल को रखा है, और ये तीनों सवाल देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है हम लोगों का सवाल में, ठीक है। क्या दे रखा है हम लोगों का सवाल में, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 वेसल आर 3:1, ठीक है, 4:3 एंड 5:2 कितना है 2 है, 5:2 कितना हो गया 7, 4:3 कितना हो गया 7, 3:1 कितना हो गया 4। इसकी जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी दे रखी है 6, 4 एंड 3 में। हम क्या जानते हैं, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। जब बैलेंस करेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई, ये 4 से, और ये भी कितना से 7 से। इसको 6 के सांचे में ढालना है, इसको 4 के सांचे में ढालना है, इसको 3 के सांचे में ढालना है, ठीक है। अब देखो एक चीज जान लो, यहां से ब्रैकेट के बाहर जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों पे तुम क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। देखो यहां से हम लोग 2 से 2 बार में और 2 से 3 बार में से कर सकते हैं, ठीक है, वी आर फ्री टू डू दिस। अब यहां से देखो क्या, 7 × 3 = 21, यहां पे 21, इधर भी 21, 4 × 2 = 8, इधर भी 8, यहां से 3 × 2 = 6 और इधर भी 6, ऐड कर दो, 6 × 5 = 30, 8 × 4 = 30, 8 × 4 = 32 और 21 × 3, 3 × 3, 3 × 2 = 6, ठीक है। और यहां से 6 × 2 = 12, 8 × 3 = 24 एंड प्लस में 21, ऐड करेंगे जब 3 × 2 क्या हो जाएगा 5, 3 × 3 = 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। यहां से ऐड करेंगे 20 20 40 और 10 कितना हो जाएगा 50, 4 × 2 = 6 और 1 = 7 यानी कि कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का जो आंसर आ गया वो आंसर हम लोग का है 125:57 में कितना है 57, और यही हमारा क्या है आंसर। अभी तक में हम लोगों ने क्या देखा है, 3 देखा है, ठीक है। अब इसी तरीके से हो सकता है हम लोग का 4 भी रहे, तो 4 में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे 4 को भी सॉल्व करेंगे। देखो एक 4 का जो हम लोग का आखिरी सवाल है वो हम लोग का 4 से रिलेटेड है। क्या है हम लोग का 4 में, इफ द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 1:2 कितना है 2, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी कितनी है 3 है, ठीक है। फिर दिए हुए है हम लोगों का 3:2 कितना दिए हुए है 2, जो कि कितना बता रहा है हमारा 5 को बता रहा है।
7:3 है जो कि कितना को बता रहा है, 10 को बता रहा है, एंड 1:1 है जो कि कितना को बता रहा है, 2 को बता रहा है। इन सभी को जो मिक्स करना है वो मिक्स करना है 1:2:3:4 में मिक्स करना है, ठीक है। तो हम लोग मिक्सिंग के लिए क्या जानते हैं, सबसे पहले सबको इक्वल करते हैं। इक्वल करेंगे तो हम लोग को सबको एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम तुम्हें दिख रहा होगा, सब तक 30 पहुंचना है, तो 15, 3, 6 और यहां से 10। अब जब 1, 2, 3, 4 के साचे में ढालना है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। कहीं से ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर से कॉमन नंबर से नहीं कटेगा, तो हम लोग यहाँ भी कर देते हैं 10, यहाँ भी कर देते हैं 10, यहाँ कर देते हैं 12, यहाँ भी कर देते हैं 12, यहाँ कर देते हैं 9, यहाँ भी कर देते हैं 9, यहाँ कर देते हैं 60 और यहाँ कर देते हैं 60, ठीक है। अब ऐड कर देते हैं हम लोग, यहाँ जब ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 36, 10 प्लस में 36 प्लस में 9, 7 जा 63 एंड प्लस में क्या हो जाएगा 60, ठीक है। रेशियो में, रेशियो जब आएंगे तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 20 प्लस में 24 प्लस में 9, 3 जा 27 प्लस में 60, ठीक है। जब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व कर लो यहाँ से, इधर जब तुम ऐड करोगे तो 20, 20, 40 और 60 तुम्हारा 100 हो जाएगा, 7, 4, 11 ये हो गया तुम्हारा 131, ठीक है। और इधर जब तुम फाइनली आओगे तो इधर जब तुम ऐड करोगे तो ये ऐड करने के बाद हो जाएगा 169 और यही हमारे इस सवाल का आंसर है, 169 रेशियो में कितना, 131, ठीक है। तो 4 आए 5 आए 3 आए 2 आए जितना भी आए, जिस रेशियो में निकालने के लिए आए, टाइप ए टाइप बी बेसिक में मैंने बताया था, चाहे वो 1, 2, 3, 4, 5 में आए, सब में हम लोग जो है वही नियम करेंगे, नियम में कहीं से भी कोई बदलाव नहीं आएगा, इस चीज को खास करके ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजों को समझो, उम्मीद करते हैं ये सेशन तुम लोगों को समझ में आया होगा, हम लोगों का सारा 3800 क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है, सारा चीज को एक बार फिर से देखो, जिनका भी मिक्सर एलिगेशन में दिक्कत होता है एक बार और देख लो सारी चीजों को, अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर लो, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो कैसा लगा ये भी साथ में रिव्यू जरूर देना, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है अगर तुम्हें कुछ भी चीजें मैंने अभी समझाई हैं तो, ठीक है। अगर तुम्हें 0.01% का भी फायदा हुआ है तो तुम्हें वीडियो को जरूर लाइक करके जाना चाहिए, और इससे इन्हीं सब चीजों से हम लोगों को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तब तक बने रहे हमारे साथ, बहुत जल्दी हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट का वीडियो भी लेके आएंगे मिक्सर एलिगेशन का, 1 से 2 दिन के अंदर थोड़ा इस वीडियो को हम लोग फैला लें, आप लोग भी मिलकर थोड़ा फैला लो, बहुत जल्दी हम लोग लेके आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है। तब तक ध्यान रखें, सवाल को बनाते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ, थैंक यू।